राम राम भाइयों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। तो देखिए, गोल्डबर्ग का रिटर्न कब हुआ? गोल्डबर्ग के बारे में एक वीडियो बना चुका था मैंने, आपको बताया था गोल्डबर्ग का रिटर्न AEW कंपनी में हो सकता है, गोल्डबर्ग का रिटर्न WWE कंपनी में भी हो सकता है, क्योंकि गोल्डबर्ग ने अभी तक किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करा। WWE कंपनी के साथ गोल्डबर्ग 2022 तक कॉन्ट्रैक्ट में थे, लेकिन उसके बाद उनको रिटायरमेंट मैच नहीं दिया गया कंपनी ने। उसके बाद रूमर आया कि गोल्डबर्ग जो है वो AEW कंपनी में जाएंगे, वहीं डेब्यू करेंगे, लेकिन अभी तक गोल्डबर्ग ने AEW कंपनी में भी डेब्यू नहीं किया है। अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के सामने आई है। देखिए, गोल्डबर्ग की लेटेस्ट अपीयरेंस एक यूट्यूब चैनल है किसी बॉडी बिल्डर का, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, मैं आपको दिखा दूंगा कौन है वो। यहाँ पर गोल्डबर्ग ने अपीयरेंस दी थी और गोल्डबर्ग ने यहाँ पर जस्ट लाइक एक फन टारगेट होता है वैसा ही किया। गोल्डबर्ग यहाँ पर आया था और आई थिंक गोल्डबर्ग ने ये दिखाया आके कि मैं अभी भी फिट हूँ, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने स्पीयर मारी उस बंदे को। और आई थिंक आप देख सकते हैं गोल्डबर्ग ने यहाँ पे काफी बातें करी, गोल्डबर्ग ने इस चैनल पे बातें करी कि भाई साहब वो क्या करेंगे आगे। गोल्डबर्ग ने कहा कि मैं एब्सोल्युटली फिट हूँ और इस समय मैं मेडिकली क्लियर भी हूँ और अभी मेरे अंदर बहुत शक्ति है, मेरा शरीर जैसा मर्जी आप मुझे, लोग मुझे कुछ कुछ बोलते हैं, लोग कहते हैं कि तेरी एज ज्यादा है, तू अभी भी रिटायर नहीं हो रहा है। तो गोल्डबर्ग कहते हैं कि मैं एक मैच के बाद रिटायर होऊंगा, लेकिन वो एक मैच मैं लड़ूंगा जरूर। अब गोल्डबर्ग ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई साहब वो एक मैच लड़ेंगे, लेकिन भाई साहब वो कहाँ लड़ेंगे अभी तक कुछ एब्सोल्युटली नहीं पता, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल WWE कंपनी के पास गोल्डबर्ग को साइन करने की कोई वजह है, बिकॉज WWE आई थिंक विंस मैकमैन होता तो कब का वो गोल्डबर्ग को साइन करके रिटायरमेंट मैच दे भी चुका होता। लेकिन ट्रिपल एच के जो देखने के नजरिए हैं सुपरस्टार्स को, वो बहुत अलग है। ट्रिपल एच जो है यंग टैलेंट्स को पुश करना चाहता है, ना कि एज अ हॉल ऑफ फेमर्स को जो कि बुजुर्ग हो चुके हैं, समझ रहा। सो ट्रिपल एच ने गोल्डबर्ग को अभी तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया है, कोई भी रिटायरमेंट मैच देने का वादा नहीं किया, बिकॉज विंस मैकमैन के समय में गोल्डबर्ग ने कहा था कि विंस मैकमैन ने मुझे वादा किया था कि वो मुझे एक रिटायरमेंट मैच देगा, मैं जिसके खिलाफ भी लड़ना चाहूँ, लेकिन विंस मैकमैन ने वो वादा तोड़ा, उसके बाद वो उसको कंपनी से निकाल दिया गया, फिर ट्रिपल एच आ गया, उसके बाद हमारे सारे जो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन थे वो सब खत्म हो गए। लेकिन रिसेंटली एक लेटेस्ट इंटरव्यू में गोल्डबर्ग ने ये बताया कि भाई साहब मैं रिटर्न करना चाहता हूँ और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अब इससे गोल्डबर्ग कह रहे हैं कि तैयार थे कि अब दोस्तों मुझे क्या लगता है गोल्डबर्ग कहीं ना कहीं भाई साहब अगर AEW कंपनी में गोल्डबर्ग ने जाना होता तो वो कब के जा चुके होते, बिकॉज AEW कंपनी का जिस तरह से हाल चल रहा है, जिस तरह से उनकी एब्सोल्युटली व्यूअरशिप डाउन जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट डाउन जा रहे हैं, सारा अटेंडेंस डाउन जा रही है, तो गोल्डबर्ग को वो कब का साइन कर चुके होते। लेकिन अभी तक उन्होंने गोल्डबर्ग को साइन नहीं करा है और इससे रिसेंटली क्या पता चलता है कि गोल्डबर्ग और AEW कंपनी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर निगोसिएशन नहीं है, यानी कि किसी भी चीज को बात नहीं हुई है। बिकॉज अगर ऐसा होता तो गोल्डबर्ग या फिर टोनी दोनों में से कोई ना कोई बोलता, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। बिकॉज मुझे लगता है गोल्डबर्ग ब्रे वाइट की तरह, जस्ट लाइक ब्रॉन स्ट्रोमैन, एरिक रोवन, इन्हीं की तरह लॉयल है WWE कंपनी के लिए, बिकॉज गोल्डबर्ग को पता है कि भाई साहब WCW कंपनी से वो WWE कंपनी में आया था और उस कंपनी को धोखा नहीं दे सकता। सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि गोल्डबर्ग जो है रसलमेनिया 40 के अंदर गोल्डबर्ग ने ये इशारा करा कि वहां पर वो एक मैच लड़ सकते हैं। अभी उम्मीदें कुछ नहीं है, अभी रूमर है, जस्ट लाइक ऑल चीजों के रूमर फैलते हैं, लेकिन उम्मीदें लगा सकते हैं कि गोल्डबर्ग जो है पर्टिकुलर रसलमेनिया 40 के लिए मैच की मांग करेंगे ट्रिपल एस से और वहीं उनका मैच हो सकता है। और अगर पर्सनली मैं किसी अपोनेंट को पिक करूं गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट मैच के लिए, तो मैं सिर्फ एक ही का नाम लेना चाहूंगा और वो होगा केविन ओवेंस। जी हाँ, मैं चाहूंगा केविन ओवेंस वर्सेस गोल्डबर्ग का एक लास्ट मैच हो, रिटायरमेंट मैच हो और केविन ओवेंस गोल्डबर्ग को रिटायर करे। अब आप मुझे बताइए कि आप पर्सनली केविन ओवेंस वर्सेस गोल्डबर्ग देखना चाहते हो, बिकॉज अभी गोल्डबर्ग ने क्लियर कर दिया कि उनके वो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, मेडिकली क्लियर है। अब ये बंदा ये तमाम चीजें तभी कहेगा किसी इंटरनेट पे आके जब वो किसी के साथ बातचीत में होगा। शायद गोल्डबर्ग जो है ट्रिपल एच के साथ बातचीत में है और शायद ये बातचीत कहीं ना कहीं मैच में बदल जाए और उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिल जाए ट्रिपल एच की तरफ से, एंड आफ्टर दैट रेसलमेनिया 14 आप सब जानते हैं बढ़िया मैच हो सकता है। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। जय माता दी, मिलते हैं आपसे कल। जय श्री कृष्णा।